जय हिंद स्टूडेंट्स, दिस इज अहीर एंड वेलकम बैक टू एसएसबी क्रैक एग्जाम्स। रिसेंटली कर्नाटक में एक कॉन्ट्रोवर्सी हुई थी, अगर आपको याद है। अब यहाँ पर कोशिश क्या की गई थी कि एक बिल लाने की कोशिश की गई थी, टेम्पल बिल 2024, कर्नाटक टेम्पल बिल 2024, जिसके तहत टेम्पल का जो टैक्सेशन में जो स्ट्रक्चर है उसमें थोड़े बहुत चेंजेस लाने की कोशिश की गई थी कर्नाटक स्टेट में, लेकिन उसे कर्नाटक के लेजिस्लेटिव काउंसिल में हराया गया है क्योंकि वहाँ पर मेजोरिटी बीजेपी वालों की है। तो आज के इस लेक्चर में हम यही जानने की कोशिश करेंगे कि क्या कुछ चेंजेस यहाँ पर इस बिल द्वारा प्रपोज किए जा रहे थे, और साथ ही साथ दूसरे स्टेट्स का भी हम एग्जांपल लेंगे कि टेम्पल रेवेन्यू किस तरीके से स्टेट्स मैनेज करते हैं। तो आइए आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो रिसेंटली न्यूज चैनल में छाया हुआ था कि कर्नाटक सरकार ने जो अटेम्प्ट किया हुआ था कि लॉ में चंद चेंजेस लाया जाए जिसके तहत हिंदू टेम्पल्स के टैक्सेशन के स्ट्रक्चर में थोड़े बहुत चेंजेस आए, उसे लेजिस्लेटिव काउंसिल में हराया गया है जहां पर भारतीय जनता पार्टी मेजोरिटी में है। अब इस बिल का पूरा नाम मैं आपको बता दूं, वैसे तो कर्नाटक टेम्पल्स बिल इसे कहा जा रहा है, लेकिन कर्नाटक हिंदू रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस एंड चैरिटेबल एंडोमेंट्स एंडो अमेंडमेंट बिल 2024 ये है। तो लेजिस्लेटिव असेंबली में फरवरी 19 को इसे इंट्रोड्यूस किया गया था और फरवरी 22 तारीख को इसे पास भी किया गया, लेकिन जो कि अपर हाउस लेजिस्लेटिव काउंसिल में कांग्रेस का आंकड़ा वहां पर सही नहीं है, तो लेजिस्लेटिव काउंसिल में बीजेपी ने इस बिल को रोक दिया हुआ है। अब इंपॉर्टेंट से चेंजेस यहाँ पर क्या क्या है बिकॉज ऑफ दैट कि बीजेपी वालों ने इस बिल को पास होने नहीं दिया। अब देखिए, एक इंपॉर्टेंट सा एक्ट है यहाँ पर कर्नाटक में ऑलरेडी 1997 में पास किया गया था, जिसे कर्नाटक हिंदू रिलीजियस इंस्टीट्यूशन एंड चैरिटेबल एंडोमेंट्स एक्ट ऑफ 1997 कहा जाता है, जिसके तहत जो कुछ भी टेम्पल्स वगैरह है कर्नाटक में वो सभी गवर्न किए जाते हैं। अब यहाँ पर चेंजेस ये लाने की कोशिश की कि भाई 10% जो आपका ग्रॉस इनकम होगा इंस्टीट्यूशन का, अगर आपका एनुअल इनकम ग्रॉस एनुअल इनकम 1 करोड़ के ऊपर है तो उसका 10% ग्रॉस इनकम अब यहाँ पर कॉमन पूल ऑफ फंड को यहाँ पर देना पड़ेगा। अब ये कॉमन पूल होता क्या है मैं आपको इसके बारे में थोड़ा बहुत आगे बताऊंगा। तो यहाँ पर कॉमन पूल को जिस किसी भी टेम्पल का एनुअल इनकम 1 करोड़ से भी ज्यादा है ग्रॉस इनकम, तो उसका 10% ग्रॉस इनकम यहाँ पर एनुअल कॉमन पूल को यहाँ पर फंड को देना पड़ेगा। वही इनिशियली ये अमाउंट जो था वो कितना था, वो बस 10% ऑफ द नेट इनकम था इंस्टीट्यूशन का अगर 10 लाख एक्सीड करता है। सर क्या है सर ये झमेला? अब देखिए, ग्रॉस इनकम की जब मैं बात करता हूँ तो बस यहाँ पर इस टर्म्स में देखा जाता है कि कितना पैसा टेम्पल को मिला। अब टेम्पल के एक्सपेंसेस वगैरह भी तो है, वहाँ पर प्रीस्ट होते हैं, खर्चा है, पिलग्रिमेज जो जो कि लोग आते हैं उन्हें फैसिलिटीज वगैरह भी मेंटेन करना है, वो सभी एक्सपेंसेस तो निकालने पड़ेंगे ना। तो जब उन सभी एक्सपेंसेस वगैरह को निकालेंगे तो हमें नेट इनकम आएगा। यानी कि इस अमेंडमेंट के पहले रूल क्या था कि आपका पूरा खर्चा जाने के बाद जो आपका नेट इनकम बचेगा, यानी कि नेट इनकम यानी कि आपके प्रॉफिट जितने बचेंगे अगर 10 लाख के ऊपर वो हो तो 10% हमें उसे देना पड़ेगा। लेकिन अब उस स्ट्रक्चर को चेंज करके क्या किया जा रहा था, एक्सपेंस वगैरह वो सब आपका प्रॉब्लम है, ग्रॉस जितना भी यहाँ पर हुंडी में पैसा आता है, जितना भी आपको यहाँ पर फंड्स वगैरह आते हैं, ग्रॉस इनकम जो आपको आता है अगर 1 करोड़ से भी ज्यादा हो तो उसका 10% हमारे हाथ में देना पड़ेगा, यानी कि उस कॉमन फंड को यहाँ पर ट्रांसफर करना पड़ेगा। और साथ ही साथ यहाँ पर एडिशनल ये भी कहा गया कि 5% एडिशनल यहाँ पर इनकम भी देनी पड़ेगी उस इंस्टीट्यूशंस को अगर वो 10 लाख से 1 करोड़ के बीच कमा रहे हैं। अब ये भी पहले ऐसा नहीं था, प्रीवियस इनकम ब्रैकेट जो था वो बस 5 से 10 लाख के बीच ही था, तब पर कर्नाटक सरकार उसे और पुश करके 10 लाख से 1 करोड़ के बीच जितना भी इनकम आप कमा रहे हैं उसका एडिशनल 5% भी अब हमें यहाँ पर पे करना पड़ेगा। अब देखिए, कॉमन फंड पूल जो था वो 2011 में बीजेपी की सरकार ने बनाया हुआ था उसी 1997 के एक्ट को अमेंड करके। अब ये कॉमन फंड पूल है क्या, बिकॉज ऑफ दैट इसमें जितना भी टेम्पल्स का पैसा जमा होता है वो स्टेट भर जितने भी अलग अलग टेम्पल्स हैं उनके रिनोवेशन के लिए, वहां पर जो प्रीस्ट वगैरह होंगे उनके सैलरीज वगैरह के लिए, ऐसे अच्छे कामों के लिए यहाँ पर इस्तेमाल किया जाता है। तो क्या कुछ सिग्निफिकेंट से चेंजेस आएंगे कांग्रेस सरकार की तरफ से जो क्लैरिफिकेशन मिला हुआ था कि भाई क्यों ये स्ट्रक्चर में चेंजेस किए जा रहे हैं, तो उन्होंने ये कहा कि अगर ये अमेंडमेंट पास होता था तो एडिशनली 60 करोड़ रुपीज का रेवेन्यू यहाँ पर जनरेट किया जाता था फ्रॉम 87 टेम्पल्स जिनका इनकम 1 करोड़ से भी ज्यादा है कर्नाटक स्टेट में सिर्फ, और 311 ऐसे टेम्पल्स थे जिसमें 10 लाख से भी ज्यादा इनकम आ रहा था। तो ओवरऑल उस कॉमन पूल ऑफ फंड को 60 करोड़ रुपए का लाभ यहाँ पर हमें देखने को मिल रहा था। और सेक्शन 19 उस एक्ट की अगर हम बात करें तो जो कॉमन फंड है उसका पैसा कई सारे रिलीजियस स्टडीज, वेद पाठशालाएं वगैरह जो चलती हैं उसे यहाँ पर दिया जा सकता है, टेम्पल मेंटेनेंस को और अलग अलग चैरिटेबल कॉस्ट यहाँ पर इस्तेमाल किया जाता है। और कांग्रेस सरकार का कहना यह था कि भाई इस फंड्स के एनहांसमेंट के द्वारा हम कई सारे जो पैसा आता था वो लोअर इनकम के जो टेम्पल्स हैं उन्हें ग्रांट्स वगैरह हम प्रोवाइड कर सकते थे, टर्मिनल बेनिफिट्स जो एलिंग प्रीस्ट हैं उन्हें दिया कर सकते थे, या फिर हम प्रीस्ट के उन फैमिलीज को उनके बच्चों को स्कॉलरशिप वगैरह या फिर फाइनेंशियल मदद भी हम उन एडिशनल पैसों से दे सकते थे।
क्या और भी कुछ अदर चेंजेस लाए गए हैं? बिल्कुल, यहाँ पर सिर्फ टैक्सेशन स्ट्रक्चर में नहीं, इवन द स्ट्रक्चरल मैनेजमेंट में भी यहाँ पर चेंजेस लाने की कोशिश की गई है। अब देखिए, यहाँ पर सेक्शन 25 ऑफ द एक्ट के तहत यहाँ पर ये दिया जा रहा था कि एक कमिटी ऑफ मैनेजमेंट यहाँ पर रहेगी 9 मेंबर्स की टेम्पल को मेंटेन करने के लिए। अब रूल यहाँ पर यह था कि वो 9 मेंबर्स में से एक प्रीस्ट होगा, एटलीस्ट एक मेंबर एस सी या एस टी का होगा, शेड्यूल कास्ट या शेड्यूल ट्राइब का, दो वुमेन यहाँ पर होने चाहिए और एक मेंबर लोकेलिटी इंस्टीट्यूशन का होना चाहिए, यानी फिर जिस एरिया में टेम्पल है वहाँ का एक बंदा होना चाहिए। लेकिन इस बिल के हिसाब से एक और एडिशनल यहाँ पर कंपलसरी मैंडेटरी पर्सन को लाने की कोशिश की जा रही थी, सॉरी एक नहीं, रिमेनिंग 4 में से एक पर्सन एक ऐसा होना चाहिए जो कि स्किल्ड होना चाहिए विश्वकर्मा हिंदू टेम्पल आर्किटेक्चर और स्कल्पचर में, ये वाला एक प्रावधान रखा गया था। और साथ ही साथ यहाँ पर राज्य धार्मिक परिषद, ये दरअसल राज्य धार्मिक परिषद एक ऐसा ऑटोनोमस इंस्टीट्यूशन है या फिर एक बॉडी है जो कि स्टेट गवर्नमेंट ही मेंटेन करता है, और ज्यादातर रिलीजियन से रिलेटेड स्टेट में जो कुछ भी इंपॉर्टेंट से डिसीशन है वो दरअसल यही राज्य धार्मिक परिषद जो है वो क्रिएट करता है या फिर डिसीशन लेता है। लेकिन यहाँ पर ये राज्य धार्मिक परिषद के मेंबर्स कौन होंगे? ज्यादातर वही होंगे जो रूलिंग पार्टी के मेंबर्स होंगे, पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज जो उनसे शेयर करते हैं वही यहाँ पर लोग ज्यादातर हमें देखने को मिलते हैं। अब यहाँ पर यह भी रूल रखा गया कि जो भी मैनेजमेंट की कमिटीज जिनके बारे में भी हमने कहा कि 9 मेंबर्स होंगे, उसका चेयरमैन भी यही राज्य धार्मिक परिषद जो है वो सेलेक्ट करेगा। तो ये दोनों इंपॉर्टेंट सी चीजें यहाँ पर रखी गई थी। और साथ ही साथ यहाँ पर यह भी कहा गया कि स्टेट जो है, स्टेट गवर्नमेंट डिस्ट्रिक्ट लेवल पर और स्टेट लेवल पर हाई कमिटीज रखेगा ताकि 25 लाख से भी एनुअली जहाँ पर टेम्पल इंफ्रास्ट्रक्चर पर खासकर पिलग्रिमेज की फैसिलिटीज के लिए खर्चा किया जा रहा है तो उन इंफ्रास्ट्रक्चरल प्रोजेक्ट्स को ओवरसी करने के लिए, देखरेख करने के लिए एक डिस्ट्रिक्ट और एक स्टेट लेवल की कमिटीज भी बिठाई जाएंगी और वो भी स्टेट गवर्नमेंट ही यहाँ पर देखेगा। तो यही रीजंस हैं जिनकी वजह से बीजेपी पूरी तरीके से खिलाफ था कि हर जगह पर यहाँ पर पॉलिटिक्स ही आ रहा है, हर जगह पर पॉलिटिशियंस अब यहाँ पर डोमिनेट करेंगे तो टेम्पल्स के लिए वहां पर कुछ बचेगा ही नहीं। थोड़ा बहुत हम आसपास के स्टेट्स के बारे में भी जानने की कोशिश करते हैं। तेलंगाना का भी सिमिलर इसी तरीके का अप्रोच है कर्नाटक मॉडल जैसा। तेलंगाना में 1987 में ऑलरेडी तेलंगाना चैरिटेबल एंड हिंदू रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस एंड एंडोमेंट एक्ट पास किया गया था, तो उसके तहत वहां पर भी एक कॉमन गुड फंड बनाया जाता है और वहां पर एक कमिश्नर होते हैं जो कि इंचार्ज होते हैं एडमिनिस्ट्रेशन के रिलीजियस इंस्टीट्यूशन के। अब ये कमिश्नर कौन होंगे ये स्टेट गवर्नमेंट ही यहाँ पर डिसाइड करेगा। तेलंगाना में भी रूल यही है कि 50,000 से भी ज्यादा अगर एनुअल कोई भी रिलीजियस इंस्टीट्यूशन अपना इनकम बना रहे हैं तो उसका 1.5% उन्हें स्टेट गवर्नमेंट को देना पड़ेगा। अब जो ये 1.5% जो स्टेट गवर्नमेंट को पैसा आ रहा है उसमें से जो कुछ भी तेलंगाना एक्ट के तहत जो रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस के लिए, टेम्पल्स के लिए खासकर जो खर्चा एक्सपेंसेस होते हैं उन्हें निकाल के जितना भी बाकी पैसा है वो कमिश्नर जो है वो कॉमन गुड फंड को भेज सकते हैं और इसी कॉमन गुड फंड की मदद से कई सारे वेद पाठशालाएं और नए टेम्पल्स का रिनोवेशन, पुराने टेम्पल्स का रिनोवेशन, नए टेम्पल्स का बनवाना, इस तरीके से कई अच्छी चीज़ें वहाँ पर की जाती हैं। केरला का केस टोटली डिफरेंट है। केरला में है क्या, केरला में स्टेट रन देवस्वम बोर्ड्स होते हैं यानी कि टेम्पल बोर्ड्स। करेंटली वहाँ पर 5 ऐसे ऑटोनोमस देवस्वम बोर्ड्स हैं जो कि 3,000 से भी ज़्यादा टेम्पल्स को मैनेज करते हैं। अब ये बोर्ड्स जो है वहाँ पर नॉमिनीस अपॉइंट किए जाते हैं और ये भी रूलिंग गवर्नमेंट ही करता है, यानी कि केरला में ऑलरेडी पॉलिटिशियंस का ही दबदबा है। जो देवस्वम बोर्ड्स होते हैं वहाँ पर नो डाउट जो रूलिंग गवर्नमेंट की आइडियोलॉजी से जो जुड़ कर हैं वही लोग ज़्यादातर यहाँ पर इन बोर्ड्स के मेंबर्स हमें देखने को मिलते हैं। और यहाँ पर अच्छी बात यह है कि बजट जो टेम्पल्स का इन देवस्वम बोर्ड्स का होता है वो स्टेट गवर्नमेंट ही एलोकेट करता है और यहाँ पर कोई भी रूल ऐसा नहीं है कि स्टेट के साथ रेवेन्यू के फिगर्स शेयर करने पड़ेंगे, जितना भी आप कमा लो अब वो आपके हाथ में है। तो स्टेट ने सेपरेट लॉज भी यहाँ पर इनैक्ट किए हुए हैं ईच देवस्वम बोर्ड के लिए, यानी कि पूरी तरीके से एडमिनिस्ट्रेशन और मैनेजमेंट जो है वो उन्हीं के देवस्वम बोर्ड्स के अंडर ही हमें देखने को मिलता है। तो ये थी चंद बातें आपको इस वीडियो में जाननी थी। वीडियो को एंड करने से पहले आप सभी को एक और बार याद दिला दूं कि एसएसबी क्रैक एग्जाम्स के पास एसएसबी इंटरव्यू से रिलेटेड फुल फ्लेज्ड ऑनलाइन कोर्स अवेलेबल है। हर महीने इसके नए बैचेस स्टार्ट होते हैं, अपने फ्रेंड्स के साथ भी इन्फॉर्मेशन शेयर कीजिएगा। वी ऑल्सो प्रोवाइड यू कोर्सेस लाइक एनडीए, सीडीएस, एफकैट एंड वॉरियर, रिटेन एज अ कोड व्हिच यू शुड यूज सो दैट यू गेट 10% डिस्काउंट। मीट यू नेक्स्ट टाइम, अंटिल देन स्टे हेल्थी, स्टे सेफ। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई लेक्चर। जय हिंद। अगर आप एक डिफेंस एस्पिरेंट हैं और एसएसबी इंटरव्यू, एनडीए, सीडीएस, एफकैट जैसे एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो आप एसएसबी क्रैक एग्जाम्स के कोर्स को चेक करना ना भूलें। आप हमारी लर्निंग एप्लीकेशन को गूगल प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं।